नमस्कार दोस्तों, राइजिंग इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप आगे देख सकते हो कि कैसे पाकिस्तानी आवाम का क्या कहना है जब भारत ने ऑफिशियली लॉन्च किया 5G नेटवर्क भारत में, जहां पर पाकिस्तानी आवाम का यह कहना है कि हमारे देश में तो ठीक से 3G नेटवर्क भी नहीं आता, तो हम 5G नेटवर्क पे काम कैसे कर सकते हैं। भारत ने पूरा का पूरा 5G नेटवर्क अपने इंडिजीनियस मेक इन इंडिया में बनाया है, जहाँ पर उन्होंने कोई भी देश की मदद ना लेकर जो भी इक्विपमेंट है वो भारत में ही बनाया है और भारत से ही लॉन्च किया है। तो क्या पाकिस्तान भारत के साथ कंपेयर करना चाहता है? तो ये सब बातें वो पहले सोचता है, जहाँ पर आज भारत टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ गया है और पाकिस्तान कहाँ पर रह गया है। तो जिस देश में 3G नेटवर्क नहीं आता, उस देश में 5G नेटवर्क कैसे आएगा? वीडियो बहुत ही अच्छी बनी है, ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आपकी राय देना बिल्कुल भी ना भूले कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। सर, इंडिया में एयरटेल ने 5G ऑफिशियली लॉन्च कर दिया, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनकी इस अचीवमेंट पे? मुबारकबाद देंगे उसे, उनके कंट्री के लिए अच्छा है। क्या ख्याल है आपका, अभी तक हम 4G में फंसे हुए हैं, इंडिया ने 5G लॉन्च कर दिया? देखिए, टेक्नोलॉजी में वो इंडिया हमसे काफ़ी आ गया है और हम अभी पाकिस्तान बहुत पीछे हैं, तो इंशाल्लाह हम भी आ जाएंगे, उनके कंपटीटर्स आ रहे हैं और इंशाल्लाह ऐसा ऐसा आ जाएगा। नहीं, ये उनका बहुत बेस्ट स्टेप है, इंडिया इस लिहाज से हमारे से बहुत आगे, अगर उन्होंने 5G लॉन्च कर दिया तो ये इनके लिए बेस्ट स्टेप है। अगर हम अपने कंट्री को उसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास 4G के सिग्नल पूरी तरह नहीं आते। अब हमारी जो सर्विस है 3G की, वो भी हमें स्लो, अगर हम बैकवर्ड एरिया में चले जाएं तो वहाँ तो बिल्कुल सिग्नल ना होने के बराबर होते हैं। हमारे यहाँ पे टावर लग जाते हैं, उनकी सर्विसेज हमें प्रोवाइड नहीं होती। इंडिया अगर 5G देखें, इंडिया की जो यूथ है ना, पावर वो पावरफुल है, मीन उनके जो गवर्नमेंट को देख लें तो वो यूथ पे डिपेंड भी कर रही है, उस पर खर्च भी कर रही है, और यूथ उनको अगर वो इनपुट दे रहे हैं तो उनको आउटपुट भी मिल रही है। और हम यूथ देखें, हम अपनी गवर्नमेंट को देखें, उनको झगड़े, उनको पता नहीं वो किन चीज़ों में पड़े हुए हैं, उनको अपनी यूथ की फिक्र ही नहीं है। इंडिया में देखें तो अगर वो एक लेज़ का पैकेट खरीदें तो उनको 5G इंटरनेट साथ फ्री, वो स्क्रैच करते हैं कार्ड को और उनको मिल जाता है। लेकिन हम यहाँ पर देखें तो हमें, अगर हमने 5G GB का नेट लेना है, पहली बात तो ये हमें सर्विस सही तरह नहीं प्रोवाइड होनी, और दूसरी यही बात है कि वो हमारा 300 का पैकेज तीसरे दिन फिनिश हो जाता है। देखें, हवावे कंपनी ने पाकिस्तान में लॉन्च किया है 5G, तो अभी जो फुली तरीके से लॉन्च नहीं हो पा रहा, उसकी वजहात हैं जो कि सोशल हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि जो है जानवरों की कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो उनकी रेडियो एक्टिव वेव्स जो उनसे जनरेट होती हैं, उन वेव्स को बेयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से काफ़ी जो हमारी सोसाइटीज़ हैं वो एहतजाज कर रही हैं कि ये नहीं होना चाहिए। काफ़ी जो ह्यूमन राइट्स की सोसाइटी हैं या कोई जो एनिमल वाइल्ड लाइफ को डील करती हैं, वो ये कहना चाह रही हैं कि ये नहीं होना चाहिए। हम इतना जिद्दत में ना चले जाएं कि जो हमारे बेसिक हैं, जो हमारे जो छोटे छोटे जानवर हैं जिनको भी ज़िंदा रहने का पूरा पूरा हक है, हम उनके लिए भी, उनके सर्वाइवल के लिए भी ख्याल करें। ऐसे ना हो कि वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बन जाएं, इस दुनिया में रहे ही ना। हमें उनके लिए भी बराबर रहने के लिए दुनिया बनानी होगी और बेहतर दुनिया बनानी होगी, जिसमें हम भी रहें और वो भी रहें और खुशहाल रहें। आपके ख्याल में इस सारी इरा में पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं आप? पाकिस्तान अभी तक क्या आपको लगता है 4G पूरा दे पा रहा है? हम 4G भी नहीं दे पा रहे पूरा, अभी 3G अभी हमारे देहातों में, कई इलाकों में पूरे तरीके से नहीं आया। हम अगर लाहौर की बात करें, अगर अपने घर की बात करूँ मरगज़ार की, तो मरगज़ार के अंदर नेट अब 3G 4G बड़ा, मतलब 3G बड़ी मुश्किल से आता है, सिग्नल नहीं पूरे आ रहे होते, हम अभी कवरेज पूरी नहीं दे रहे कंट्री में। अच्छा, तो क्या वजह है, क्या फ्लॉज है हमारी गवर्नमेंट में कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे, हम इतना पीछे रह गए हैं, वो इतना डेवलप करते जा रहे हैं खुद को? हम अगर अब शुरू से ही बात करें हमारे सिस्टम के अंदर शुरू से ही बहुत ज़्यादा फ्लॉज रहे हैं, ठीक है। वो अपने कंट्री के अंदर देखिए, फ़र्ज करें शुरू में अगर हम बात करें ना, तो हमारे एसेट्स सही तरीके से डिवाइड नहीं हुए थे, ठीक है। शुरू से हमारे मुल्क में गुर्बत है, ठीक है, शुरू से हम लोग रोटी कपड़े मकान के लिए ही जो है मेहनत कर रहे हैं, आज भी ऐसा ही है, हम लोग अभी भी रोटी पकड़ा मकान की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके ख्याल में जैसे इंडिया 5G लॉन्च कर दिया तो पाकिस्तान में भी 5G आने वाला है, चांसेस हैं यार? तो 5G, मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं कि 5G आने वाला है, यहाँ पर 4G की सर्विस हमें सही तरह प्रोवाइड नहीं हो रही, पहले उसको तो सही तरह प्रूफ रीड कर लें। अब हमें 5G की सर्विस मिल जाए, बस एक निशान लग जाए व्हाइट बोर्ड पर कि पाकिस्तान ने 5G हासिल कर लिया, और हमें उसकी कोई आउटपुट ही ना मिले, उसका बेनिफिट ही ना मिले, उसके सिग्नल ही ना मिले, तो हमें उसका क्या फ़ायदा?
अब अगर हम देखें इस लिहाज से इंडिया आईटी के लिहाज से बहुत आगे है, उनके लोग एजुकेटेड ज़्यादा हैं, उनके लोग हमारे से, हम देखें जो उनके राइटर्स हैं, हम उन ऐसी कोई अगर आप पावरफुल बुक लें ना तो उसके तमाम के राइटर्स इंडिया के हैं, और हम अपने देखो तो हम उनसे एजुकेशन रेट में भी बहुत पीछे जा रहे हैं, और अगर उन्होंने ये स्टेप किया है तो फ्यूचर में ये उनके लिए बेनिफिट लाएगा, उनके फ़ायदेमंद लाएगा, और वो यकीन मान जाए आईटी में बहुत आगे, और हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे रह गए हैं। अगर आईटी में अगर 5G आ भी रहा है तो कम से कम वो स्ट्रॉन्ग आना चाहिए। और दूसरा ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़े से जो हमारे अब नेटवर्क के पैकेजेस होते हैं, मंथली पैकेज करवाएं जी, 1300 का करवा रहे हैं, 1400 का करवा रहे हैं, और वो हर चौथे पाँचवें दिन एक तो सर्विस नहीं आती और दूसरा ख़त्म हो जाता है। और अगर हम इस लिहाज से इंडिया को देखें तो जो गूगल का है हमारे पास CEO वो इंडिया का है, ट्विटर वाला इंडिया का है, तो हम तो बहुत पीछे हैं इस लिहाज से। इसी के बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए और अपनी यूथ को पावरफुल करें। अगर उनकी यूथ, हमारी यूथ पावरफुल हो जाए, हमें ये चीज़ें मिल जाएं, हम तो लोग बेरोज़गार फिर रहे हैं, मास्टर किए हुए कोई रेडी लगा के खड़ा है, और हुकूमत अपनी वो पत्नी कुर्सी के चक्करों में पड़ी है, उनको किसी कोई किसी को अब आज देखें, आज पत्नी उन्होंने कितने तबादले करके किसी को कहीं से गिरफ्तार करवा रहे हैं। 6 साल की है वो, क्या नाम है उसको, 6 साल की वो जब पैदा हुई थी उस वक्त का उसका मसला था, और अब उसको 50 साल बाद गिरफ्तार करवा लिया। तो काइंडली आईटी के दौर में ये हुकूमत को चाहिए कि बेस्ट स्टेप लाएँ, और अगर 5G वो लॉन्च करवाना चाहते हैं तो उसको बेहतर तरीके से लॉन्च करें। ये जो बात है आ जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम करते तो कुछ भी नहीं है। 4G हमें पूरा मिल रहा है आपके ख्याल से? 4G अभी पूरा मिल नहीं रहा, अब हमें अपनी बेसिक ज़रूरियात को देखना चाहिए, और टेक्नोलॉजी में इंशाल्लाह हम बूम अप करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ही करेंगे। हम अपने से नीचों की तरफ देखें ज़रा, उनसे काफ़ी बेहतर हैं, इंशाल्लाह इंडिया से भी ऊपर चले जाएंगे। तो आपके ख्याल में हम इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे, वो कैसे खुद को डेवलप करते जा रहे हैं? उनका IT सेक्टर देख लें, गूगल का CEO भी इंडियन है, ट्विटर का CEO भी इंडियन है, शनाल की भी CEO इंडियन लड़की ही है, तो किस तरह खुद को इतना ग्रो कर रहे हैं? हमें भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हमारे भी कुछ रिसर्च सेंटर्स हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी और हम भी इंशाल्लाह आगे आते जाएंगे, और इस तरह के अगर रिसर्च के इंस्टीट्यूट बनते गए और हमें भी मौके मिलते गए तो हम भी इंशाल्लाह आगे आ जाएंगे। बाकी रही जो आपने बात की कि गूगल का जो CEO है वो भी इंडियन है, डिफरेंट वो है, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हमारे पाकिस्तान भी बहुत सारे तरक्की किया है, आरफा करीम टावर है IT के ऊपर वो बहुत वर्क कर रहा है, और 5G के कम्पिटिटर्स अभी हमारे पास 4G भी मुकम्मल नहीं आ रहा, 3G है, बहुत कम स्पीड है, और वक्त के साथ साथ उसके ऊपर भी वर्क हो रहा है और इंशाल्लाह हो जाएगा। देखिए ये तो रिसर्च बेस्ड काम है, इसके ऊपर रिसर्च हो, और जो फाइनेंस्ड जो बेहतरीन प्रोडक्ट है वो आना चाहिए, जिसके 5G हो, इंडिया में है, इंडिया हमसे आगे है, तो हो उधर भी हो हमारे पास भी होना चाहिए, बट जो है हम फाइनेस्ट होना चाहिए, किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं लॉन्च करेंगे हम जिससे इंडिया ने कर दी तो ये क्या वो किसी समंदर में जंप लगा दें, कहीं ऐसी जगह पे हम भी लगा दें, नहीं, हम फाइनेस्ट और अच्छा तरीका लेकर आएंगे जो हर जानवर के लिए यार, इंसान के लिए, सबके लिए बेस्ट होगा। हम उसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा गरीब है पाकिस्तान की, तो हम अपने बेसिक फंडामेंटल मसलों से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो वो लोग तो बहुत आगे निकल गए हैं हमारे से। तो क्या वजह, वो क्यों बाहर निकल गए हैं? इवन दो उनके पास भी यंगस्टर बहुत ज़्यादा है, हम भी ऑलमोस्ट हमारी आबादी 60% यंगस्टर्स पे है, तो वो खुद को डेवलप करते जा रहे हैं, हम नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं, हमारा तो अल्लाह माफ़ करे, मे भी श्रीलंका से भी बुरा हाल होने को है। हम लोग जो भी काम करते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, हम सही नीयत से काम नहीं करते, ठीक है, हम हर जगह ऑफिस की बात की जाए तो हम लोग ज़्यादा टाइम जो है वो फजूल के काम करते रहते हैं, हम सही से काम पे ध्यान नहीं देते, ठीक है, अगर हम अपने बॉसेस की बात की जाए वो भी सही से काम नहीं कर रहे, ठीक है, वो अगर जब लोग हैं अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो अपने हर ऑफिस से लेकर छोटे से लेकर बड़े लेवल तक वो लोग कहीं ना कहीं पर कोशिश कर रहे हैं, अगर उन्हें IT की इंडस्ट्री को पकड़ लिया तो उसमें वो छा गए। आज हम देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर जितने गूगल, ट्विटर, फेसबुक, तकरीबन सब में जो CEOs हैं ना, जो बड़े बड़े इदारे हैं, उन्होंने अब सारे इंडियंस रखे हुए हैं, क्योंकि वो ईमानदार है, अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा पाकिस्तान इसे रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा अपने आप को बाहर जाके, वो सही काम नहीं करता, ठीक है, ये मसले मसाइल हैं कि हम लोग सही से सिंसियर नहीं अपनी कौम के साथ। उनकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है ना, उनकी एजुकेशन बहुत बेटर है, अगर आप देखें ना पाकिस्तान में इंटरनेट बहुत महंगा है, और हम यहाँ पे एक हफ्ते का पैकेज लगाते हैं 400-450 का होता है, 30 GB होता है। इन्वेस्ट तो मसला ये कि हम लोगों के टैक्सेस और हम लोगों की जो पॉलिसीज़ है ना वो इतनी ज़्यादा ख़राब हैं कि जो बाहरी कंट्रीज़ की जो कंपनियाँ पाकिस्तान में आती हैं वो टैक्स सिस्टम्स को देख के घबरा के चली जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे हम हर लेवल पे हर इदारे में करप्शन हो रही है, करप्शन सबसे बड़ा वजह जिसकी वजह से हम लोग अभी मसला हमारा चल रहा है FATF का, ठीक है, तो जिसकी वजह से हम लोग नहीं बाहर आ पा रहे इस चीज़ से, कोई भी कंट्री में कोई भी कंपनी आती है पाकिस्तान में वो नहीं अपना
ट्रस्ट ही नहीं करती है। हम टोयोटा वगैरह की बात की जाए, पाकिस्तान में बंद हो गए हैं, ठीक है। मोस्टली हमारे अगर टेलीकॉम सर्विस की बात की जाए, सेक्टर की बात की जाए, टेलीनॉर हो गया, जितने भी कंपनीज हैं उन्होंने सारे आउटसोर्सिंग कर दी हैं, ठीक है। अबेकस वगैरह कंपनीज के अंदर अपना सारा का सारा उन्होंने काम शिफ्टिंग कर दी है, चूँकि यहाँ पे मसले मसाइल ही बहुत ज़्यादा हैं, कंपनीज सर्वाइव ही नहीं कर पाती, ठीक है। यहाँ पर सबकी मोनोपली कायम हुई है जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और यही मसले मसाइल हैं।